फाइनली दोस्तों बॉलीवुड या फिर साउथ सिनेमा इंडस्ट्री जो कि एक से एक बड़ी धमाकेदार ब्लॉकबस्टर मूवी दे रहे हैं, तो ऐसे में भोजपुरी सिनेमा ने सोचा कि हम क्यों पीछे रहे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भोजपुरी सिनेमा ला रहा है अपनी इंडस्ट्री की सबसे हाई बजटेड मूवी, खबरों के अनुसार जिसका बजट 12 से 15 करोड़ रखा जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो ये अदर इंडस्ट्रीज की मूवीज के बजट के मुकाबले कुछ भी नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, आमतौर पे भोजपुरी सिनेमा की मूवीज 2 से 5 करोड़ के बजट में बन जाती है और उनके मुकाबले यह मूवी वास्तव में काफी ज्यादा हाई बजटेड मूवी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये भोजपुरी सिनेमा की पहली पैन इंडिया फिल्म होने वाली है जिसे रिलीज किया जाएगा भोजपुरी समेत हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में। और भाई इस मूवी का जो पूरा टाइटल नेम है वो है महादेव का गोरखपुर, जिसको अपना बेहतरीन से भी बेहतरीन डायरेक्शन देते नजर आएंगे राजेश मोहन। और भाई इस मूवी की मेन लीड रोल में आपको देखने को मिलेंगे भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मूवी का जो फर्स्ट लुक या फिर फर्स्ट लुक मोशन पोस्टर आउट किया गया है उसमें हमें रवि किशन जी एक संत के अवतार में देखने को मिले हैं। और भाई उन्होंने एक इंटरव्यू में यह भी कंफर्म किया है कि इस मूवी में आपको कई कई लैंग्वेज के एक्टर्स देखने को मिलेंगे, जिसकी शूटिंग हाल ही में गोरखपुर में शुरू कर भी दी गई है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कब होगी यह मूवी रिलीज और कब तक देखने को मिलेगा आपको इस मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस मूवी की शूटिंग अभी चली रही है, तो इसका ट्रेलर रिलीज होने का तो अभी कोई भी चांस नहीं है, और अगर आपको कोई इसके ट्रेलर की एग्जैक्ट रिलीज डेट बता रहा है तो वो बिल्कुल ही गलत है। और वहीं अगर हम बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की, तो दोस्तों खबरों के अनुसार इस मूवी को रिलीज कर दिया जाएगा अगले साल यानी कि 2023 में, जिसकी ऑफिशियल रिलीज डेट मेकर्स जैसे ही अनाउंस करते हैं मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और साइड में दिया हुआ बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।